मॉर्निंग एवरीवन, नई उम्मीद नए विश्वास के साथ मैं मंजू तिवारी एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। सो प्लीज़ अगर आप लोग आज लास्ट तक बने रहेंगे तो मैं आप सबको तिवारी जी से ज़रूर मिलवाऊंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, और बने रहिएगा आप सब हमारे साथ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, नई उम्मीद नए विश्वास के साथ मैं मंजू तिवारी एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। जाना कहीं भी हो, शुरुआत हमारे किचन से ही। तो भी हमारे यहाँ चाय पूजा हमारी हो चुकी है। मैं बनाने जा रही हूँ घुघरी, और हम कहीं जा रहे हैं तो इसे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि टाइटल और थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जाने से पहले मेरा ये मानना है कुछ ना कुछ अम्मा बाबूजी के लिए बना दें, जो है अम्मा नहीं जा रही है साथ में क्योंकि गैया है, इसकी वजह से। नहीं तो मैं अम्मा को लेकर कई बार मैं बोल रही हूँ, लेकिन पिताजी कुछ नहीं मैनेज कर पाएंगे, इसकी वजह से अम्मा बोले मैं नहीं जाऊँगी, आप लोग चले जाइए। देखिए रात को ये मैंने बोला था छील के रख देते हैं, नहीं तो तुम लोगों को सुबह देर हो जाएगी। इसकी वजह से चाय बन गई, सिर्फ अम्मा ने नहीं पिया, बाहर का काम समेट रही हैं कि आप लोगों के रहते समेट लूँ, नहीं तो पड़ा रह जाएगा इसकी वजह से। तो चलिए फिर ब्लॉग की शुरुआत हमने कर दिया है, मिलते हैं कहाँ कब कैसे सारा सब कुछ दिखाएंगे आप लोग को, बने रहिएगा हमारी वीडियो में लास्ट तक। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव संगिया मेरे। सो हाय एवरीवन, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं तैयार हूँ और हमारे बच्चे भी तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए तिवारी जी हैं, और जो है हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। आशा यही करते हैं कि आप सबको अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो प्यारा सा लाइक, जो भी भाई बहन चैनल पर न्यू आते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ड्राइवर खड़े हुए हैं, मैंने जो है वहाँ जाने का रास्ता ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है रास्ते में, इसकी वजह से आप साधन से नहीं जा सकते हो। तो बस अब हम चलते हैं और रास्ते का सारा व्यू सब कुछ आपको दिखाएँगे, इसलिए कि हमारे घर में भावना पांडे जो है मुंबई में रहती हैं, उनको गांव का ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आता है, खास करके हरियाली जब जो सीज़न हो तो उनको देखना बहुत अच्छा लगता है, जो है इसकी वजह से मैं। और वीडियो दो पार्ट में जाएगी, ठंडी बहुत ज़्यादा है कि मैं आप सबसे क्या बताऊँ, ठंडी की हमारी एकदम हालत हो गई खराब पहुँचते पहुँचते। वीडियो दो पार्ट में जाएगी, मैं आप सबको बता देती हूँ। मैं अपने यहाँ हमारे यहाँ पर गाँव में विजयपुरा महावीर हूँ, वहीं हम लोग जा रहे हैं। तो वीडियो दो पार्ट में इसलिए हो गई है कि बाहर का बहुत प्यारा प्यारा व्यू था, जो कि मैंने सुना आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। ये है हमारे यहाँ का गढ़ा का मंदिर, जो कि जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ बगैर पाप धाम का दर्शन के लिए बगैर नहाए पाप की मुक्ति नहीं होती है। तो चलिए फिर थोड़ा सा हम यहाँ पर उतरे गाड़ी में गंगा माँ, मतलब अगर आप नदी पार कर रहे हों तो ऐसा कहा जाता है कि एक रुपया या दो रुपया जो कुछ भी भगवान ने आपको दिया है गंगा माँ में डाल कर जो है हाथ जोड़ लेना चाहिए, उनसे आशीर्वाद ले लेना चाहिए, तभी उनको पार करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। और ये सच भी है, अक्सर चाहे सूरत हो या कहीं भी हम जाते हैं, अगर रास्ते में गंगा नदी पड़ती है तो हम जो है ज़रूर। यहाँ पर एक रील सुहानी बना रही थी, इसकी वजह से मैं थोड़ा टहल रही थी। अब हम लोग चलते हैं, काफ़ी दूर है एकदम, और मैं जाने के टाइम में सिर्फ स्वेटर पहनी, अपने कान पर बांधने के लिए भूल गई थी, बच्चों ने तो अपना ले लिया हुआ था पर मैं ही भूल गई। पहली बार यहाँ गांव में बच्चों को लेके पूरी फैमिली के साथ मैं जा रही हूँ। अम्मा को मैंने बहुत बोला तो अम्मा बोली कि अगर आप सब जा रहे हो मैं भी चलूँगी, तो फिर गैया को कौन देखेगा, इसकी वजह से अम्मा नहीं जा पाई जो है। और दिल में बहुत इच्छा थी कि जब सब लोग जा रहे हैं तो अम्मा भी साथ में जाएं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया हमारे लिए। तो चलिए फिर जो है, और काफ़ी दिनों से लगभग मैं यहाँ जा रही हूँ, 9-8 साल के बाद, बाबू हमारा 3 साल का था जब मैंने उसका मुंडन किया हुआ था यहाँ आकर के। तिवारी जी की मानता थी कि जब मतलब हमारा अगर बेटा होगा पेट में थे तो मुंडन जो है हनुमान जी धाम विजयपुरा में ही करेंगे, तो इसकी वजह से भैया का मुंडन हमने यहीं पर करवाया हुआ था और अपने ननद को बुलाए थे तो हम लोग साथ में गए थे। तभी तिवारी जी नहीं थे, सूरत में थे, और जो है बिटिया भी घर पर ही थी। आज मैं चारों फैमिली फर्स्ट बार यहाँ पर गांव में साथ में कहीं जा रहे हैं घूमने। तो प्लीज़ देखिए यहाँ पर मतलब हरियाली का सीज़न है, किसी खेत में आलू है तो मटर है या तो सरसों है, ये देखिए बरसीम है जो कि जानवरों को खाए के लिए बोई जाती है। यहाँ पर रोड बन रहा है, कम्प्लीट तरीके से काम हो रहा है सड़क का, और अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये समझ लीजिए कि अगर आप 2 चक्का या 4 चक्का से भी आते हो तो भी आपको गाड़ी में, बंद गाड़ी है तो अलग की बात है, नहीं तो संभल के ही बैठना है, इतना उबड़ खाबड़ रास्ता है अभी, मतलब बनने की वजह से। जब बन जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, धूल मिट्टी सारा उड़ रहा था रास्ते में, लेकिन व्यू हमको बहुत बहुत प्यारा लगा, सच में बता रहे हैं आप लोगों को।
तो सारा सब कुछ मैंने थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्ड कर लिया है धाम तक पहुंचने का। और नेक्स्ट पार्ट वीडियो मैंने क्या कुछ ख़रीदा है वहाँ, क्या कुछ घूमे टहले, सारा सब कुछ वहाँ का भी दिखाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग नेक्स्ट वीडियो का हमारे इंतज़ार करना। यहाँ पर भट्ठा है, देखिए कच्ची ईंटें पथी हुई हैं, इसके बाद इसे चिमनी में डाल के पकाया जाएगा। ये है सुअर पालन जहाँ होती है, यहाँ पर फार्म है ये। और जो है देखिए सरसों यहाँ पर काफ़ी हद तक तैयार हो गई हैं, और एक महीने या 15 दिन जाते जाते सरसों कटने लगेंगी। हर जगह का जो है अलग अलग होता है। ये देखिए अपने रहने के लिए भी ये लोग जो है ना कच्ची ईंटों का घर बना लेते हैं। यहाँ पर रास्ते में सभी लोग धूप सेक रहे हैं, ठंड इतनी ज़्यादा है कि धूप मतलब छोड़कर उठने का मन नहीं करता है। रास्ते में भी कई सारे स्थान ऐसे हैं कि जहाँ माथा टेकना ही चाहिए जो है। तो देखिए बस सड़कें हैं एकदम, बहुत कम ही आना जाना है यहाँ पर, जो लोग अपने साधन से जा रहे हैं या जिनकी रिजर्व गाड़ियाँ हैं इसी वजह से। बाकी देखिए काम चल रहा है यहाँ जो है, मिट्टी पटाई हो रही है किसी तरफ, आधे में गिट्टी पड़ रही है, आधे में कुछ पड़ रहा है, पुल बना है। इसके बाद देखिए रोलर चल रहा है, इससे मिट्टी को समतल लेवल में किया जाता है हमारे यहाँ। तो इसकी वजह से मैंने वीडियो को दो पार्ट में बांट दिया है, क्योंकि बाहर का सब कुछ मुझे इतना अच्छा लग रहा था। और पहली बार मैं अपने ससुराल से यहाँ पर मतलब सड़क के रास्ते गई हूँ, नहीं तो मैं फर्स्ट बार नाव से गई थी। और नाव पार करने के बाद बस थोड़ी दूर पड़ता है, तब वो रास्ता अलग तरीके का है और ये अलग तरीके का है। यहाँ से पूरा रास्ते ही जाना पड़ता है। और जो दूसरे रास्ते से जब मैं बाबू का मुंडन करने गई हुई थी, तो जो है नाव पार करके मैं कादीपुर के मेन गेट पहुँच गई थी अपनी नाव से यानी। और उसके ये देखिए महिला विद्यालय था यहाँ पर, सिर्फ जो है औरतों यानी लेडीज़ की पढ़ाई होती है, बच्चे इस स्कूल में नहीं लड़के एंट्री कर सकते हैं वाला था स्कूल। देखिए सारी बैटरी यानी रिक्शा खड़े हुए हैं यहाँ पर। अब लगभग ये कादीपुर का बाज़ार है जो कि हम इंटर कर चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर रोड सही है, यहाँ रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है हमको। उम्मीद करते हैं कि हमारी भाभी भावना पांडे को, उन्हें सच में मुझे मेरा उनसे फ़ोन पर भी बातचीत रहता है, तो बताती हैं कि मुझे बहुत ही प्यारा लगता है गांव का व्यू जो आप शूट करके भेजते हो। तो इसकी वजह से मैंने वीडियो को दो पार्ट में किया हुआ है और बाहर का सारा सब कुछ दिखाया है। ये देखिए गन्ना की खेती है हमारे यहाँ, अभी भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ लोग जिनके यहाँ भाई करने वाले लोग नहीं है, फैमिली नहीं है, इन सब चीज़ों में खेती में मेहनत लगती है। गेहूँ है थोड़ा थोड़ा जम गया है, और अभी जब एक बार फर्स्ट बार पानी दे दिया जाता है तो अच्छे से जमाई हो जाएगी। यहाँ पर देखिए पूरा उपली है यानी लोग अपना अपना ला के यहीं पर पाते हैं, धूप है तो सूख जाती है। ये आलू की खेती है। और यहाँ पर देखिए भैया ठेला, और हम लोग अब पहुँच गए हैं मंदिर। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो हमारा आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। देखिए यहाँ पहुँचते ही इनके दर्शन हो गए, तो बहुत सारे लोग रहते हैं, लोग अपना जो डरते नहीं हैं उनके पास में भी जाते हैं और उन्हें कुछ खिलाते पिलाते भी हैं अपने हाथ से। तो बिट्टू को मैं यहाँ पर कुछ बोल रही हूँ, चलिए उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो प्यारा सा लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हो बजरंगबली।